आज के लवाहिकीन से हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब, मुल्क भर में धरने खत्म। शहदा की नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान सुबह 10 बजे क्वेटा रवाना होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी क्वेटा पहुंचेंगे। शहदा के मुतासरीन को 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। हजारा कम्युनिटी के लापता अफराद की तहकीकात के लिए खसूसी कमीशन बनेगा। हुकूमत और शहदा कमेटी के दरमियान मुआहदे तय पा गया। मारूफ बिजनेसमैन सेठ आबिद का इंतकाल, नमाज जनाजा आज कराची डिफेंस फेज 2 अयास मस्जिद में नमाज असर के बाद अदा की जाएगी। शहीद पाकिस्तान मरीजों के मसीहा एहतसास शख्सियत साबिक गवर्नर सिंध हकीम सईद का आज 101वां यौमे पैदाइश। तिब और अदब में शानदार खिदमत, आज भी हजारों लोग फैजयाब। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध, हद निकाह कम होने पर मोटरवे बंद। चित्राल, दीव, सवात और गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बलोचिस्तान में यकबस्ता हवाएं, ज्यारत का पारा -14 तक गिर गया। गोब्स कलात में -13, कोचा में -10, अस्तोर बकरोट में -9, मस्तूर पशीन में -8 रिकॉर्ड। मतनाज़ ट्वीट पर ट्विटर इंतजामिया का एक्शन, ट्विटर इंतजामिया ने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट मुस्तकिल बंद कर दिया। अमरीकी सदर का रिएक्शन, कहा उन्हें खामोश कराने के लिए ट्विटर भी साजिश में मुलव्वस है। स्कॉटलैंड के एयरपोर्ट पर जहाज की लैंडिंग के दौरान वर्कर का रक्स, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।